सो हेलो गाइस, दिस इज़ सूरज एंड यू वॉचिंग केमिस्ट्रीज मिस्ट्री। और हम इससे पहले एसिड एंड बेसिस का टॉपिक लेके चल रहे थे और इसमें हम देख रहे थे एसिडिटी टॉपिक पर देख रहे थे एसिडिटी देख रहे थे कि कोई कंपाउंड कितना ज़्यादा एसिडिक हुआ, कोई कंपाउंड कितना कम एसिडिक हुआ, ठीक है। तो ये देख रहे थे, तो हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये देख लिया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो कैसे कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करते हैं। आज हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो कैसे एसिडिटी पर फ़र्क डालते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो करते हैं, जो कॉन्जुगेट बेस बनता है उसको स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइज कैसे करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है कॉन्जुगेट बेस की उसको स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। थ्रू कैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि माइनस आई इफेक्ट से कर सकते हैं, ठीक है, और थ्रू रेजोनेंस भी कर सकते हैं और बिकमिंग एरोमेटिक, ये सब मैंने बता दिया है, ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में। तो आज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या क्या फ़र्क डालते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कोई कंपाउंड लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और इसको मैं कंपेयर करूं HC डबल बॉन्ड OH से, तो ये हमारा इथेनोइक एसिड, ये मिथेनोइक एसिड, ठीक है। अब जब इनके कंजुगेट बेस बनेंगे तो हुआ क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O वो नेगेटिव, ठीक है, और इससे कंजुगेट बेस बनेगा मेथनोइक एसिड का C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा, चार्ज यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, अदर कभी नेगेटिव ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो नेगेटिव जगह ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, करके दिखा देता हूँ। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन लोन पे है, सॉरी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड के लगे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ CH3 C सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर, ठीक है। अब चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट होगा HC सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड और ये रेजोनेंस का सिंबल है, ठीक है। अब होगा क्या, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, CH3 क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट होगी जिसकी वजह से जिन यहाँ पे जिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो यहाँ पर भी, यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, तो दोनों तरफ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर भी जाएगी, यहाँ पर भी जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज किस में होगा, इसमें होगा, यहाँ पर तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, यहाँ पर रेजोनेंस दोनों में हो रही है लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहा है, जबकि अगर किसी भी नेगेटिव अगर कॉन्जुगेट बेस को अगर स्टेबलाइज होना है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी चाहिए, तभी वो कंपाउंड स्टेबल बनेगा, और कंपाउंड स्टेबल बनेगा तो जो हमारा कंपाउंड है जिससे वो बना है कॉन्जुगेट बेस जिससे बना है एसिड, वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ये क्या है, ये कम एसिडिक है क्योंकि यहाँ पर इसका जो नेगेटिव जो उसका कॉन्जुगेट बेस है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है, और इस पर नो इफेक्ट, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा, मतलब ये वाला मिथेनोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा देन इथेनोइक एसिड से। तो इसी तरह से इसका जो pH, इसका जो pKa है वो 4.8 के करीब होता है, pKa, और इसका pKa कितना होता है, 3.7, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ कि pKa जितना कम होगा कंपाउंड उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है।
तो कुछ कंपाउंड देखता बताता हूँ मैं, ठीक है? तो CH3OH, इनका पी के बताऊँगा बस केवल मैं, ठीक है? CH3CH2OH और 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ठीक है? ठीक है, तो अल्कोहल है, अल्कोहल का पी के ज़्यादा होगा, ठीक है? क्योंकि ये ज़्यादा, ये जो सॉरी ये ज़्यादा कम, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो कम स्टेबल होगा देन इसके, ठीक है? क्यों कम स्टेबल होगा ये भी मैंने बता चुका हूँ, ठीक है? तो आप लेक्चर वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है? तो इसका पी के कितना है, 15.5 है, ठीक है? इससे कितना है, 16.0, इसका इससे ज़्यादा होगा, इसका इससे ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2+ IF शो करने वाले ग्रुप हैं, तो 17.5, ठीक है? वैसे कितना होगा, 19.2, ठीक है? ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है, कि ऑल्दो टू अ लेसर एक्सटेंट देन अमाइड द एस्टर ग्रुप इज ऑल्सो स्टेबलाइज बाय कॉन्जुगेशन, ठीक है? तो एस्टर ग्रुप जो होते हैं वो कम स्टेबलाइज होते हैं देन अमाइड, ठीक है? तो ये कंपाउंड है, तो इसका पी के कितना है, 20, ठीक है? अब मैं सबको कंपेयर करूँगा एक दूसरे के साथ से, ठीक है? अब ETO यहाँ पे कितने, अब यहाँ पे कितने थे, 2 हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे, 2 मिथाइल थे, यहाँ पे क्या ETO और CH3 इथॉक्साइड ग्रुप और CH3 2, बट हमें यह पता है कि इथॉक्साइड ग्रुप क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है देन मिथाइल ग्रुप से, तो इसका पी, इस कंपाउंड का पी के इससे ज़्यादा होगा, वो कितना होगा, 25, ठीक है? और इस वाले कंपाउंड को इस वाले इन दोनों से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, ठीक है? बट यहाँ पे ग्रुप है मिथिलीन ग्रुप, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन होगी वो डबल कॉन्जुगेशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे तो कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, तो इसलिए इसका पी के बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। सिमिलरली CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप है, 2 CH3 ग्रुप है, बट यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप है, ये वाला और ये वाला सेम है, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है? तो ये इसका पी के कम होगा, तो इससे कितना होगा, 8.9, इसका कितना होगा, 8.9। और अगर हम इन दोनों कंपाउंड को कंपेयर करें, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, तो और यहाँ पे 2 ETO ग्रुप है, तो इन तीनों कंपेयर करना है, ठीक है? यहाँ पे एक वो ETO ग्रुप है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इससे ज़्यादा किसका होगा, इसका, और इससे ज़्यादा किसका होगा, इसका पी के, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 इथॉक्साइल ग्रुप है, इथॉक्साइड ग्रुप है, और इथॉक्साइड ग्रुप क्या होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं देन, और ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट्स प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं देन मिथाइल ग्रुप से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा, और कॉन्जुगेट बेस डिस्टेबलाइज हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब क्या है, कि वो कंपाउंड कम एसिडिक होगा, ठीक है? तो इससे ज़्यादा होगा क्या, इसका होगा, इसका होगा कितना होगा, 10.6, और इससे ज़्यादा किसका होगा, इसका 12.9, ठीक है? तो क्या हम देखेंगे, नाइट्रोजन एसिड्स, तो नाइट्रोजन एसिड्स में क्या लिखा है मैंने, द पी के ए ऑफ अमोनिया इज मच मोर ग्रेटर देन पी के ए ऑफ वाटर, तो अमोनिया का जो पी के ए होता है वो ज़्यादा होता है देन पी के ऑफ वाटर से, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है? जिससे पहले मैंने बताया है उसको भूल जाना, अब जो है इस खुद पर देख याद कर समझ लेना, ठीक है? तो जो ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन नाइट्रोजन, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो भी सही बात है, ये भी सही है, कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर CH3 O नेगेटिव है
ठीक है। और वो क्या बात थी, वो ये थी कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो, ठीक है, अगर हम ऐसे कंपाउंड हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, यहाँ पे अगर ये मैं वाला ग्रुप दूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे। जो नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आता है तो वो कंपाउंड जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आए तो वो जो कंपाउंड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये पहले जो पहले के लेक्चर्स हैं उन्हें मैं बता चुका हूँ ऐसे भी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर जाके। तो हम क्या देख रहे थे, एमोनिया और वाटर। एमोनिया क्या है, N3, और वाटर क्या है, HOH, मतलब सिंगल बॉन्ड OH। तो ये अगर यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा तो क्या बनेगा, OH नेगेटिव, और यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा क्या बनेगा, NH2 नेगेटिव। तो यहाँ पर सिमिलरली इसकी तरह यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आ रहा है। तो नाइट्रोजन क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन। और मैं बता चुका हूँ कि अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पाएगा तो वो कंपाउंड उतनी ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। सो वाटर का pKa क्या होगा, कम होगा देन अमोनिया का। सो मैं कुछ कंपाउंड लेता हूँ, उनका pKa बता दूँ कितना होगा, आस पास होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, ये वाटर है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमोनिया है, ये अमाइड है, और ये हमारा अमाइड विद दो कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, अमाइड ग्रुप है और एक में एक कार्बोनिल ग्रुप और अटैच है, ठीक है। तो देखते हैं वाटर का पीके, अब वाटर से हम कंपेयर करेंगे कि एक कंपाउंड को एक को हम लेके चलते हैं कितना होगा, और बाकी को कंपेयर करेंगे उससे, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस उससे हो जाएगी, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस हो जाएगी तो ये होगा, ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, सब कॉन्जुगेट पे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, तो इसके बाद क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज जाएगा और यहाँ पे रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस होगी तो कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका pKa बहुत कम होगा इससे, ठीक है, 5। और इसका अमोनिया है, अब नेगेटिव चार्ज कम हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे नाइट्रोजन, तो इसकी इसका pKa कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस पर नेगेटिव चार्ज जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और इस पर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट हो, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा वापस, और ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर जो रेजोनेंस है वो सिमेट्रिकल एलिमेंट पर आ रही है, सेम एटम पे रेजोनेंस हो रही है, बट यहाँ पे एक पे ऑक्सीजन और एक पे नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करने में थोड़ा उसकी टेंडेंसी कम होगी, तो क्या होगा, रेजोनेंस ढंग से नहीं होगा, और रेजोनेंस ढंग से नहीं होगा तो कंपाउंड स्टेबलाइज नहीं होगा, और कंपाउंड स्टेबलाइज नहीं होगा तो उसका एसिडिक है, तो उसका pKa ज़्यादा होगा, तो इसका pKa कितना है, 70, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, ये क्या है, अमाइड ग्रुप, यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे रेजोनेंस हुई, बट यहाँ पे जो रेजोनेंस होगी वो दो जगह से रेजोनेंस पॉसिबल है, इस तरफ भी हो सकती है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये वापस यहाँ पे आएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, और ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, बट यहाँ पे अनसिमेट्री भी है, तो इसलिए इससे ज़्यादा होगा बट इससे कम होगा, तो इसका कितना होगा, 8.3। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।